हैं मेरे साथ इस वक्त विक्रम कोठारी, खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रम जी, कहाँ है इस वक्त आप? और 5,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो 5,000 करोड़ का नहीं, दूसरा मैं कालीपुर में हूँ और कहीं नहीं जी। तो कितने का घोटाला है आप खुद बताइए ना, बैंक ने जब ये घोषणा कर दिया है कि एनपीए है। पहले बात से कोई घोटाला ही नहीं है, एनपीए अकाउंट है और नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल पे एनसीएलटी में ये केस चल रहा है जी। केस चल रहा है तो किस तरीके से आप कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा सवाल तो ये है की तरह आप भी तो रातों रात गायब नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं कोई गायब नहीं हो रहा, मैं अपने शहर में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ना जाने वाला हूँ, पहली बात तो। और घोटाला नहीं है, दूसरी बात हमारा बैंकों के साथ बातचीत हो रही रेगुलर, मैं बैंक को कॉपरेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं बैंक को कॉपरेट नहीं कर रहा हूँ। कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने लोन लिया था, लोन वापस चुकाया क्यों नहीं? 5,000 करोड़ आपको लगता है छोटी रकम है? 5 सरकारी बैंकों से आपने लोन लिया, डिफॉल्टर आप घोषित कर दिए गए, उसके बाद भी आपको लोन मिलता है, क्या खैरात में बढ़ रहे थे लोन? ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने लोन लिया है, मैं वापस। विक्रम जी, मैंने भी लोन लिया है, घर जो मैंने खरीदा है उसके लिए मैंने लोन लिया है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ, अगर एक किश्त मैंने 17,000 की नहीं चुकाई तो मुझे लगता है अगले महीने बैंक वाले खुद घर पे आ जाएंगे। आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है, उसके बाद उसके ऊपर कोई अब इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, आप पर इतनी मेहरबानी क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर से इंटरेस्ट लेके सब कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे, मेहरबानी कोई मेहरबानी नहीं है जी। आप पर कोई मेहरबानी नहीं है, इतने बैंकों से आपने कर्ज ले रखा है, उसे चुकाया भी नहीं, एनपीए घोषित कर दिया गया है, बैड लोन घोषित कर दिया गया है, आप कह रहे हैं आप कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप कोऑपरेट कर रहे हैं? बैंक को पैसा चुकाने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कविता जी, जी हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद पूछिए। विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे पीछे रोटोमैक आपकी कंपनी है जिसमें हजारों लोग काम करते थे, वो कंपनी बंद हो चुकी है, हजारों के हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं, यहाँ पे 5 नोटिस चिपकी हुई है, एक प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नोटिस है जिसका जवाब देना मैं समझता हूँ आपने जरूरी नहीं समझा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कर्ज है ये नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल में चला गया है, इलाहाबाद बैंक के एजीएम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई करने का क्योंकि अभी जवाब आने में कुछ समय लगेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस देश को छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं? और दूसरा ये है कि अभी फिलहाल जो कर्ज अदायगी का पूरा मामला है उसमें कितना कर्ज आप कब अदा करेंगे? मैं देश छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं बड़ी प्रकार से भारतवर्ष में ही हूं, भारतवर्ष का नागरिक हूं, भारतवर्ष में ही रहूंगा, मुझे किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा ही देश बहुत अच्छा है। नंबर 2, कर्ज की जो बात है वो एनसीएलटी में केस चल रहा है जो आपने जैसा कहा, और मैं हर हालत में कर्ज को हर हालत में बैंक के साथ मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश और चेष्टा में लगा हुआ हूँ। विक्रम जी, कितने सालों में आपने ये कर्ज लिया था और कितना आप चुका चुके हैं, किस तरीके से आगे का चुकाएंगे, क्या प्लान है आपके पास? वो मैंने बैंक को सब दे दिया है और उससे बातचीत चल रही है। बैंक को आपने दे दिया, फिर बैंक क्यों एनपीए घोषित करा, बैंक क्यों परेशान है, बैंक ने क्यों आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया, अगर पूरा प्लान है आप दोनों के बीच में सारा समझौता हो चुका है? बैंक ने एनपीए घोषित किया है, बैंक ने डिफॉल्टर नहीं घोषित किया है। चलिए, नॉन परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग असेट है, लेकिन इसके बाद आगे के लिए क्या आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई और बैंक आपको कर्जा देगा तब इन 5 बैंकों का आप कर्जा वापस करेंगे, क्या ये स्ट्रैटेजी है आपकी? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मैडम जी। लेकिन इतना ज्यादा कर्जा लेने की बिना चुकाए क्या आपके मन में क्या चल रहा था विक्रम जी? क्योंकि अमूमन इंसान जब कर्जा लेता है तो उसके पास एक तरीका होता है, एक प्लान होता है कि हम किस तरीके से उसे चुकाएंगे और फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्या कंपनी घाटे में जा रही थी कि आप लगातार कर्जा ले रहे थे? नहीं नहीं जी, कंपनी प्रॉफिट में थी, मैंने टैक्स भी किए हैं बहुत सारे और मैं कर्जा चुकाने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ जी। विक्रम जी, कब तक निपटारा हो जाएगा, इस वक्त किस कहां तक पहुंच चुका है ये केस? बहुत जल्दी हो जाएगा मैडम, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।